चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर हादसे से संबंधित ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ा हादसा हुआ है। 50 फीट गहरी खाई में बस गई, जहां हादसे में 14 लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, तो वहीं पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर दुख जताया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ, जहां 50 फीट गहरी खाई में बस गिरी। बस में कई यात्री सवार थे, जिनमें से अब तक खबर सामने आ रही है कि 14 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इससे पहले 2 लोगों की मौत, उसके बाद में ये आंकड़ा लगातार बढ़ते गया। सुबह तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई, लेकिन अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें अब ये कहा जा रहा है कि इस हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, घायलों का इलाज जारी है, और ये भी संभावना है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ भी सकता है। हालांकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी स्थिति काफी दयनीय बताई जा रही है। डॉक्टरों की ओर से ये कहा जा रहा है कि लगातार कोशिश की जा रही है जान बचाने की, लेकिन अब अगर फिलहाल देखा जाए कि ये हादसा जिस प्रकार से हुआ है और 50 फीट गहरी खाई में बस का गिरना, वो भी इतने सारे यात्री उस बस में मौजूद होना, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा ये कहा जा रहा है। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर हॉस्पिटल में तमाम जो घायल हैं उन्हें भर्ती कराया गया, और ये वही स्थान है जहां से बस जा रही थी और अचानक से बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। तो देखिए, कितना बड़ा यह हादसा, विभत्स हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और देखिए, तस्वीरें आपको बता रहे हैं, बस की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना भयानक यह हादसा रहा होगा। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। जिस प्रकार से यह हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, और कई ऐसे लोग थे जो कि बस के नीचे भी दब गए, उन्हें रेस्क्यू टीम की ओर से लगातार बाहर निकाला गया, उनका रेस्क्यू किया गया, और जो सुरक्षित है उनकी बात तो कही जा रही है, लेकिन साथ ही ऐसे कई लोग हैं जो कि गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रवि जुड़ गए। रवि, लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, इससे पहले 2, उसके बाद 11 और अब 14 लोगों की मौत की बात यहां पर कही जा रही है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है घायलों को लेकर और उसके साथ ही परिजनों को लेकर? अनुपमा, आपको बता दूं, जिस तरीके से रात को जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पे दुर्ग जिले में निर्मित हुई थी, क्योंकि एक बड़ा हादसा यहाँ पे था कि 50 फीट नीचे खाई में जाकर कर्मचारियों से भरी बस वहां पे गिर गई, जिसमें से तत्काल उस समय 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और चूंकि रात तक यह आंकड़ा बढ़ता गया, रात को करीब 12 बजे 11 लोगों की मृत्यु की खबर की पुष्टि दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने की। वहीं अगर सुबह की बात करें तो सुबह यह आंकड़ा 14 तक बढ़ गया, जिसकी जो लगातार बहुत बड़ी एक मौतों का आंकड़ा बोला जा रहा है, जिसमें 14 लोगों में 4 महिलाएं भी इसमें शामिल है। वहीं दुर्ग यहाँ पे दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी भी मौके पर पहुंचकर लगातार रेस्क्यू वहां से रेस्क्यू करवा रही थी घटनास्थल से लोगों का, और लगातार कई लोगों को रायपुर अस्पताल लेके जाया गया और वहीं कई लोगों को दुर्ग अस्पताल में भी यहां पर रिफर किया गया। वहीं अगर बात करें तो दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी हादसे को लेकर दिए हैं। जी अनुपमा, बिल्कुल रवि, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जांच की जाए, क्योंकि लापरवाही है, और अगर किसी की लापरवाही इसमें सामने आती है तो उस पर कार्रवाई भी जरूरी हो जाती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कल देर रात भी आपने एक बड़ा अपडेट दिया था, जहां पर रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई थी, जो अंदर लोग थे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी जो बस में दब गए थे। क्या अब तक सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है? और मौत के आंकड़े में जिस प्रकार से इजाफा हो रहा है, क्या इसकी संभावना भी पुलिस प्रशासन की टीम या डॉक्टर की ओर से जताई जा रही है? निश्चित रूप से अनुपमा, बड़ी लापरवाही की बात सामने तो आई है, क्योंकि जो पहली बात तो आपको बता दूं, जो केडिया डिस्टिलरी की बात अगर करें तो वो जो रास्ता है खपरी रोड जिसे कहा जाता है, वहां पे सुरक्षा, वहां पे प्रकाश, जो रोशनी की व्यवस्था है सड़कों पर, वो किसी भी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था वहां पे नहीं पाई जाती। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जो करीब केडिया डिस्टिलरी के बनने से पहले यह एक खदान के रूप में वहां पे मुरुम की खुदाई की जाती थी, परंतु आज तक वहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बैरिकेड्स नहीं लगाया। जी
रोशनी की, किसी भी प्रकार की सड़क में रोशनी की व्यवस्था की गई। वहीं अगर बात करें तो वहां पे पूर्व में भी एक बार बाइक सवार 3 लोगों की मृत्यु खदान में खाई में गिरने से हो चुकी है, परंतु इसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा और इतनी बड़ी घटना के रूप में ये लापरवाही सामने आई। बिल्कुल रवि, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस प्रकार के स्थान में लाइट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि देर रात तक वाहन यहाँ से चलते हैं और ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि एक बार पहले भी आपने जिक्र किया कि हादसा हो चुका है, कि वो इतना बड़ा हादसा नहीं था, लेकिन हादसों से ही सबक लेना प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी यहां पर निभाते हुए प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ा हादसा हुआ। देर रात को यह हादसा हुआ जहां 50 फीट गहरी खाई में बस गिर गई, जिसमें 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि लापरवाही हुई है, जिसकी जांच अब की जाएगी। जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही की वजह से 14 लोगों की जान चली गई और इतने सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। दिखती रही नादी टीवी। नमस्कार।